हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी न्यूज़ है, वो रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ है और अभी हाल फिलहाल में टीयर टू का जो डेट आया है उससे संबंधित न्यूज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में जो है मैं देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में SSC ने की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें CGL टीयर टू का जो डेट है वो दिया गया है। आप देख रहे हो क्लियरली 2 मार्च से स्टार्ट है और 7 मार्च तक ये एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही जिसमें दूसरी जो डेट दी हुई है वो आपकी दी हुई है 9 मार्च से स्टार्टिंग है CHSL टीयर वन के एग्जामिनेशन की। तो दो यहाँ पे डेट दिए गए हैं जिसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि CGL जो टीयर टू का रिजल्ट, टीयर टू का जो एग्जामिनेशन है वो कब स्टार्ट होगा। साथ ही इसके कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूँ कि टीयर वन का रिजल्ट अब तक नहीं आया और इसका अपडेट जो है उसके लिए स्टूडेंट परेशान है। तो एक बात जान लीजिए कि अब जो है CGL 2022 का टीयर टू का जो डेट है वो क्लियर हो गया। इसका मतलब अब रिजल्ट जो है वो कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस न्यूज में आपको लिखा गया था कि भाई 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के बीच में टीयर वन का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था CGL 2022 का। 17 दिसंबर को आंसर की भी आ गया था लेकिन उसके बाद जो है अभी तक रिजल्ट का वेट जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है वो अभी तक कर रहे हैं। तो आज जो नोटिस आई, इंपॉर्टेंट नोटिस जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ये नोटिस जो है ये क्लियरली कहती है कि आप कभी भी किसी भी वक्त SSC CGL 2022 का टीयर वन का रिजल्ट आ सकता है। तो आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए और जो लोग भी ऐसा लगता है उनको कि नहीं मेरी तैयारी अभी तक नहीं हुई है वो बिल्कुल लग जाओ। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता था कि भाई तैयारी अपनी करते रहें, आप डेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, डेट कभी भी आ सकता है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो अब आपके पास बहुत समय नहीं बचा है, 2 मार्च को ही एग्जामिनेशन होने वाला है टीयर टू का। तो जितने भी स्टूडेंट आप अपनी तैयारी कर चुके हैं और जो मैंने आपको बताया था कट ऑफ आसपास कितना रहने वाला है, 111 के 116 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, आपको देखने के लिए ऐसा मिल सकता हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो, तो ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। एक आप ऐसे देख सकते हो कि 111 से 116 के बीच में रह सकता है, बाकी जो आएगा वो तो पता चलेगा ही और बहुत जल्दी आने वाला है रिजल्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी जिसमें लिखा गया था कि 50 दिन बाद भी अब तक नतीजे से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया है, नतीजों पर कोई अपडेट SSC की तरफ से नहीं जारी किया गया। ये पेपर में दिया गया था, ये न्यूज़ दी गई थी जिसमें स्टूडेंट्स जो है उन जो वेट कर रहे हैं टीयर वन का रिजल्ट का उनकी व्यथा को इसमें बताया गया था पेपर के माध्यम से। लेकिन आज सुबह जैसे ही टीयर टू के डेट आई है उससे ये कंफर्म हो गया है कि कुछ ही टाइम में जो टीयर वन का रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। साथ ही अगर हम यहाँ देखें CGL 2023 का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, इस पेपर में दिया गया है कि भाई CGL 2023 का जो एग्जामिनेशन है उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आयोग द्वारा 30 दिसंबर 2022 को जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार CGL की परीक्षा 2023 जो है 1 अप्रैल को जारी की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया जो है उस दिन शुरू होगी और जो कि 1 मई तक चलेगी। बाद में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पहले चरण यानी टीयर वन का जो परीक्षा है उसका आयोजन जून जुलाई में किया जाएगा। तो ये एक पेपर में दिया गया है मोटा मोटी, CGL टीयर टू का जो 2023 का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा इशू था यही कि भाई टीयर वन का रिजल्ट कब आएगा, तो वो भी अब कहीं ना कहीं पूरा क्लियर कर दिया गया SSC की तरफ से कि जल्दी ही वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि सुबह सुबह या फिर अभी आज ही आया है जो टीयर टू का डेट, ठीक है ना, उसमें ये पता चला है कि कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप टीयर वन में आपने मार्क अगर कर लिया है 116, तो आप निश्चिंत रहो, यू आर कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आप OBC भी बात कर सकते हो, DWS वालों की भी बात कर सकते हो, SC ST की भी बातें कर सकते हो, 2-4-5 नंबर कम करके आप देख सकते हो कि कहाँ तक आपकी मेरिट पहुंचेगी। तो जितने भी लोग टीयर वन में इतने नंबर तक पहुंच रहे हैं, आंसर की आपने जो है वो मिला लिया होगा, मैच कर लिया होगा, तो फिर आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से करते रहो बिना टेंशन के। अब आपके पास समय नहीं है, रिवीजन अपना स्टार्ट कर दो, आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो जिस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में उतरना है और अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि इस बार जो पूरा का पूरा
मेंस पे ही डिपेंड है इस बार का एग्जामिनेशन आपके सिलेक्शन का, ठीक है। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस है, जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो आपको इसी के थ्रू मिलने वाली है। साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी से, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट BC, UGC, IIT नेट और जितनी भी कैटेगरी अनअकैडमी की तरफ से तैयारी कराई जाती है, उसमें आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जिस चीज़ की तैयारी आप करोगे उसमें आपको एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे, साथ ही उन्होंने कई बार एग्जामिनेशन खुद से क्लियर किया हुआ है, तो आप उनसे सीख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जैसे यहाँ MTS का बैच आपको मिलेगा, दिल्ली पुलिस का बैच आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, CGL 2023 का, जिसका मैंने अभी बताया कि डेट जो भी फाइनल हो चुका है, उसके आपको यहाँ पे प्री प्लस मेंस दोनों कंबाइंड आपको मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन लेवल से हो पाए। और इंग्लिश, GA, क्वांट, रीजनिंग, सेक्शनल वाइज टेस्ट तो मिलेगा ही, साथ में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी, जिसका एग्जामिनेशन नज़दीक होगा उसके फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, जैसे CGL, CHSL, MTS, इन सबों के एग्जामिनेशन जो हैं वो आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे वो PDF के फॉर्म में मिले या फिर आपको बुक के फॉर्म में मिले, अगर आपके पास आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है तो आप बुक के फॉर्म में भी PDF पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्लीट में अपने आपको डेली टेस्ट करिए, लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर यूज करके अपने डाउट को आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। तो अनअकैडमी पे SSC के साथ साथ किसी भी कैटेगरी में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिस्काउंट कोड PMYT याद रखना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ये सभी कोर्सेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आगे लाइव क्लासेस में, या फिर आपके लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, कोई आता है, तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको ज़रूर बताऊंगा। सो जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और जो है वीडियो को सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।